हेलो सो मेरे डियर, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला है कि अपने फेसबुक पेज में फॉलो का ऑप्शन कैसे ला सकते हो। जैसे कि आप साइड में देख सकते हो, इस तरह आप कैसे ला सकते हो। बस आपको 3 सेटिंग करने हैं, और वो कौन से 3 सेटिंग करने हैं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपने एक भी सेटिंग मिस कर दी, अगर एक भी सेटिंग नहीं की, तो बाकी 3 सेटिंग करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको 3 ही सेटिंग करना जरूरी है। हमेशा की तरह आज के बाद न बकवास, वीडियो करते स्टार्ट। तो हम चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फेसबुक सेटिंग के अंदर चले जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। यहाँ पर आने के बाद अब बात करते हैं फर्स्ट सेटिंग की। फर्स्ट सेटिंग करने के लिए आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिखेगा हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद आपका एवरीवन पे सिलेक्ट होगा, सिंपली उसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पर सिलेक्ट कर देना है। अब बात करते हैं सेकेंड सेटिंग की। सेकेंड सेटिंग करने के लिए आपको ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्राइवेसी चेकअप, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर आपको देखना है हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, इस फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू का बटन होगा, उस पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर रिव्यू अनदर टॉपिक, उस पर क्लिक कर देना। ये हो गया अपनी सेकेंड सेटिंग। अब बात करते हैं थर्ड सेटिंग की। यहाँ पर हम आ चुके हैं बैक, और यहाँ पर आपको नीचे आना है। तो थर्ड सेटिंग करने के लिए आपको नीचे आना है, और नीचे आने फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर सभी सेटिंग में पब्लिक एवरीवन सिलेक्ट है या नहीं, वो देखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो तो फर्स्ट में फ्रेंड्स पे सिलेक्ट है, उसे पब्लिक पे क्लिक कर देना है। और नीचे आना है, और सभी में देखो यहाँ पर पब्लिक है, एवरीवन है, पब्लिक यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मैं पब्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे कमेंट रैंकिंग, उसको भी ऑन कर देना है। बस यही सेटिंग करनी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपने प्रोफाइल के अंदर चला जाता हूँ, और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट देखने के लिए व्यूअर्स पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पर बूम गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉलो का बटन आ चुका है। आई होप आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।